हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं 3 इंग्रेडिएंट्स से चॉकलेट ओरियो फज। चॉकलेट ओरियो फज बनाने के लिए मैंने 1 कप चॉको चिप लिया है, 200 ml कंडेंस मिल्क लिया है और 4 10 रुपीस वाले चॉकलेट ओरियो के लिए हैं, जिन्हें मैंने तोड़ लिया है बिस्किट्स को। अभी अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो बहुत जल्दी बन जाएगा, 5 मिनट में विद इन। अगर आपको माइक्रोवेव नहीं है तो आपको डबल बॉयलर करना पड़ेगा, एक बर्तन में पानी रख के उसके ऊपर बर्तन रख के फिर आपको ये चॉकलेट मेल्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि मेरे पास माइक्रोवेव है तो मैं चॉको चिप को डाल के इसे माइक्रोवेव में रख लूं 30 सेकंड्स के लिए, ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। अभी देखिए, मैंने 30 सेकंड्स के रखा और ये काफी मेल्ट हो गई है। अभी हम पूरा इसे मेल्ट नहीं कर रहे, इसी स्टेज में कंडेंस मिल्क ला रहे हैं। माइक्रोवेव में बहुत जल्दी बन जाएगा ये ओरियो फज, बिल्कुल 5 मिनट में बना के इसे सेट करने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। इसमें हम सारा कंडेंस मिल्क डाल लेते हैं और इसको अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं, इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं स्लोली स्लोली। ये हमने फोल्ड कर लिया है। अब इसमें लम्स है, वो चॉको चिप है जो अभी प्रॉपर मेल्ट नहीं हुई है, तो हम इसको अब मिक्स कर लेते हैं। हम इसमें शुगर मिलाने की जरूरत नहीं है, कंडेंस मिल्क में ऑलरेडी बहुत शुगर होता है, बहुत मीठा होता है। तो अब हम इसको माइक्रोवेव में फिर से 30 सेकंड के रखते हैं, ताकि बिल्कुल ये स्मूथ टेक्सचर आ जाए इसमें, बिल्कुल चॉकलेटी, ताकि हमारा फज बहुत टेस्टी बने। देखिए गाइस, ये अच्छे से बिल्कुल मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें अपने हाफ ओरियोस को मिला लेंगे, आधे ओरियो मिलाएंगे, पूरे नहीं मिलाएंगे। तो हम धीरे धीरे डाल रहे हैं ये बाकी ओरियो, हम ऊपर से गार्निश करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसको अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं, थोड़े और डाल लेते हैं। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं और फिर अपनी इस ट्रे में डाल देते हैं सेट करने के लिए। ये ट्रे लिए मैंने, बटर पेपर लिया है मैंने इस पे अच्छे से, ताकि निकालते हो कि इजीली निकल जाए, स्टिक ना हो। ये हमने तैयार कर लिया, अब इसे डाल लेते हैं। बहुत ही ध्यान से डालिएगा, बिखरे ना। ये अच्छे से मैंने टैप कर लिया ट्रे में, देख रहे। अब इसके ऊपर जो हमने ओरियो रखे थे इन्हें लगा देते हैं, ऊपर सजा देते हैं अच्छे से, और जब ये सेट हो जाएगा फिर हम इसके पीसेस में कट कर लेंगे। देखिए, ये हमने अपना फटाफट 3 इंग्रेडिएंट से बनने वाला चॉकलेट ओरियो फज तैयार कर लिया है। इसे बेकिंग डिश में डाल दिया है ग्लास की। अब हम इसमें फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए सेट करने के लिए रखते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसा बना है। देखिए गाइस, ये हमारा बिल्कुल फज, चॉकलेट ओरियो फज बिल्कुल सेट हो गया। अब हम इसको पीसेस में कट कर देंगे। आपको जैसा पीस पसंद हो, छोटा बड़ा, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। देखिए गाइस, हमारा चॉकलेट ओरियो फज बनके बिल्कुल तैयार हो गया है, कितना अच्छा बना है। थैंक यू गाइस।